देखिए, रशिया तो चाहेगा नहीं कि उसके नागरिक अमेरिका जाए, वहां घूमे फिरे, पैसा खर्चे और वहां का टूरिज्म को बढ़ाए। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट तो आना बनता ही था रशिया की तरफ से। उसी की आज के लिए प्रशांत धवन सर की वीडियो है, रशियंस शुड गो टू इंडिया इंस्टेड ऑफ यूरोप। रूस के इस कदम से भारत को काफी फायदा होगा। तो ये आने वाले टाइम में काफी सारी चीजें डिटेल्स मिल जाएगी, क्या क्या फायदा होगा। ऑब्वियसली बात है, टूरिज्म को तो फायदा फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट्स भी आएगी और भी बहुत कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो देखते हैं प्यारी सी छोटी सी रिएक्शन वीडियो। अगर आपको मिक्स रिएक्शन देखने मजा आए तो वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना। और रिसेंटली रशिया ने एक मेजर अनाउंसमेंट करी है। इन लोगों ने ये कहा है कि यूएस, यूरोप, जापान ऐसी कंट्री में ट्रैवल करने के बजाय जो भारत जैसे देश हैं, रशियंस को वहाँ पर जाना टूरिज्म चाहिए, ना, रशियन वो टूरिस्ट को वहाँ पर फॉर जाकर टूरिस्ट। पैसा खर्च करना चाहिए, ये ओपनली कहा है रशिया की गवर्नमेंट ने। अब भारत जैसे देश का मतलब भारत के अलावा और कौन कौन से कंट्रीज की ये बात कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने कई कंट्रीज की बात करी है, उसमें प्राइमरली इंडिया तो टॉप पे है ही, अच्छा उसके टॉप, अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर उसके अलावा इसराइल है, चाइना है, जो भी कंट्रीज है जिनको रशिया फ्रेंडली मानता है। रशिया ने एक आए अपने नागरिकों को कि सिर्फ इन्हीं कंट्रीज में विजिट करो और इन्हीं कंट्रीज के लिए हाँ हम इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ही जल्द ओपन कर देंगे, बाकी जो अनफ्रेंडली कंट्रीज घूम हैं सुनने के जैसे लिए कि ना। यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा यूएस, वहां पे ट्रैवल मत करो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, रशिया के इस डिसीजन से इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा बूस्ट आ बूस्ट सकता आ है सकता टूरिज्म है का, स्पेशली और हो टूरिज्म सकता है कि का। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के मामले में इंडिया फाइनली टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में भी आ जाए, अगर इंडिया प्रॉपरली इस मौके को यूज करता है। नाउ यहाँ पर हमारे सामने अवसर क्या है, रशिया के फ्रेंडली कंट्रीज कौन से हैं, अनफ्रेंडली कंट्रीज कौन से हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हाँ मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि वर्ल्ड टूरिज्म डे यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट करता है किस तारीख को, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 27 सितंबर या फिर मेरे तीस ख्याल फर्स्ट मार्च जनवरी को कमेंट होता सेक्शन है, में मुझे करिए नहीं उत्तर। पता, सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा 30 वीडियो के मार्च एंड में। को नाउ भारत की जो शायद। लेटेस्ट टूरिज्म पॉलिसी है उसमें इंडिया ने एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा है खुद के लिए कि हम मान के चल रहे हैं कि 2030 तक जो दुनिया में टॉप 5 टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली कंट्रीज है उनमें टॉप 5 एक बनेगा इंडिया। उनमें बहुत ही से एक, एम्बिशियस मतलब टारगेट है, मगर टॉप 5। इसको हम अगर अचीव कर लेते हैं तो आप ये मान लीजिए हर साल टूरिज्म से हमारी इकोनॉमी में 50 से लेकर 60 बिलियन डॉलर पंप इन हो रहे होंगे। क्योंकि अभी के लिए मैं आपको बताऊं, दुनिया में ना इंटरनेशनल टूरिज्म से रिलेटेड एक लिस्ट होती है टूरिज्म रिसीप्ट के नाम से कि कौन सा देश टूरिज्म से कितना कमाता है। टूरिस्ट हर कंट्री में जाते हैं मगर कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा कमाई करता है यहाँ पर, तो नंबर 1 पे एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए में देखिए दुनिया जाती है बिजनेस करने के लिए, वहां पर जो वेरियस टूरिस्ट साइट्स हैं उनको देखने के लिए, तो यूएसए हर साल 200 बिलियन डॉलर से भी ऊपर कमा लेता है सिर्फ टूरिज्म के दम पर। फिर नंबर 2 पे आपको मिलेगा स्पेन, नंबर 3 पे फ्रांस, फिर आपको नीचे आप देखोगे नंबर 10 पे चाइना भी दिखेगा। इंडिया कहाँ पे है? इंडिया की रैंक काफी नीचे आती है। हम लोग हर साल टूरिज्म से मान लीजिए 28 से लेकर 30 बिलियन डॉलर कमाते थे, फिर कोविड आ गया, कोविड की वजह से जो कमाई है उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आई हैं, मगर वापस 2022-23 के आसपास उम्मीद है कि इंडिया फिर से 28-30 बिलियन डॉलर्स कमाना स्टार्ट कर देगा हर साल टूरिज्म की मदद से। नाउ अगली लिस्ट हम देखते हैं उन कंट्रीज की जहां से खर्चीले टूरिस्ट निकलते हैं, क्योंकि अगर इतनी कमाई हो रही है, यूएस कमा रहा है 200 बिलियन डॉलर, तो मतलब कि कहीं ना कहीं से टूरिस्ट आ भी रहे होंगे। कौन से देश है जो सबसे ज्यादा खर्चीले टूरिस्ट प्रोड्यूस करता है? तो उस मामले में नंबर 1 पे है चाइना। चाइना के टूरिस्ट हर साल 250 बिलियन डॉलर बाहर के देशों में खर्च देते हैं, ट्रैवल टिकट्स के रूप में, होटल का रूम बुक किया, खाना पीना वगैरह खाया वहां पर। नंबर 2 पे आपको मिलेगा यूएसए, सिर्फ 150 बिलियन डॉलर। चाइना कई कंट्रीज के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना अगर एक कंट्री में कह दे कि यहाँ पर अपने टूरिस्ट को भेजना चाहिए, यहाँ पर आप जाइए, तो उस कंट्री में रातों रात रेवेन्यू बहुत जरा बढ़ जाएगा। नाउ यहाँ पे इस लिस्ट में आप नोटिस करेंगे कि आपको रशिया भी दिखेगा नंबर 6 स्पॉट पे, मतलब रशियन टूरिस्ट भी आप अगर देखें, हालांकि अपनी आबादी के हिसाब से कम खर्चते हैं क्योंकि उनके पास स्पेंडिंग पावर इतनी होती नहीं है जितनी फ्रेंच सिटीजंस के पास होती है या फिर ब्रिटिश नागरिकों के पास होती है, मगर फिर भी रशिया भी अपनी 14 करोड़ की जो आबादी है उसके हिसाब से आप अगर देखो तो हर साल 36 बिलियन डॉलर खर्च देता है दुनिया भर में ट्रैवल करके, रशियंस इतना पैसा उड़ा देते हैं। तो रशिया आप कह सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एक कस्टमर है टूरिज्म के मामले में। रशिया को वैसे आप अगर देखें तो पूरे देश में ज्यादा आपको डाइवर्सिटी मिलेगी नहीं, ज्यादातर जो इनका लैंड है वहां पे आपको बर्फ मिलेगी, बीच इतने ज्यादा इनके यहाँ है नहीं, तो काफी बार रशियंस वहां पे जाना पसंद करते हैं जहां पर धूप आती है, थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल गोवा वगैरह। तो अब रशिया यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये 36 बिलियन डॉलर हम हर साल उड़ाते थे ना,
ये आप यूएस, जर्मनी, यूके, फ्रांस, यहाँ पर मत उड़ाइए, चाइना में उड़ाइए, इंडिया में उड़ाइए, इसराइल में उड़ाइए, जो फ्रेंडली कंट्रीज की लिस्ट हमने निकाल दी है वहां पर उड़ाइए। और यहाँ पे आप कहेंगे फ्रेंडली कंट्रीज की लिस्ट क्या है, रिसेंटली रशिया ने दो लिस्ट लॉन्च करी है, एक तो जी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज, एक है अनफ्रेंडली कंट्रीज, ये जो लिस्ट आपके सामने राइट वाली ये अनफ्रेंडली कंट्रीज की है। तो अनफ्रेंडली कंट्रीज की लिस्ट में यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको दिखेगा यूएसए, कनाडा, पूरा यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया। जी हाँ, ताइवान को भी रशिया अनफ्रेंडली कंट्रीज की लिस्ट में डालता है, क्योंकि सब कंट्रीज ने कहीं ना कहीं रशिया पे लगाए हैं सैंक्शंस। तो रशिया के जो टूरिस्ट थे जो ज्यादातर पैसा इन कंट्रीज में जाके उड़ाते थे, रशिया ने कह दिया कि अब यहाँ पे आपको नहीं जाना। अब ये जो पैसा है सिंस यहाँ पे नहीं जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, तो इसके लिए रशिया ने एक और लिस्ट निकाली है फ्रेंडली कंट्रीज की, जिनके साथ रशिया इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट कर देगा 9 अप्रैल से। तो फ्रेंडली कंट्रीज रशिया की कौन कौन सी है यहाँ पे आप देख पाओगे, ये सब है रशिया की फ्रेंडली कंट्रीज, ब्राजील हो गया, इसराइल है, इंडिया है, इंडोनेशिया हो गया, उसके अलावा चाइना है, नॉर्थ कोरिया यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पाकिस्तान को भी इन्होंने फ्रेंडली कंट्रीज की लिस्ट में डाला है, फिर सर्बिया है, सर्बिया आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट रशिया का एलाई है यूरोप में। तो अब क्या होने वाला है कि प्राइमरली चार देश में देख पा रहा हूँ, चार पांच देश मैक्सिमम, इनको मैसिव बेनिफिट होने वाला है रशियन टूरिस्ट का। ये देश है इसराइल, मगर इसराइल देखिए अपने आप में काफी छोटा देश है, तो ज्यादा बेनिफिट ओवरऑल इतना कर नहीं पाएंगे ये लोग, इसराइल वैसे भी वीजा काफी कम देता है। फिर इंडिया है, इंडिया को मैसिव बेनिफिट हो सकता है, चाइना है, चाइना को बेनिफिट हो सकता है, टर्की है, और उसके अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे जो कुछ देश है ये बेनिफिट उठा सकते हैं। मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर रशिया ऑलरेडी हमारे जो टॉप 10 सोर्सेज ऑफ टूरिस्ट है उनमें आता है, मतलब कि भारत में ओवरऑल सबसे ज्यादा टूरिस्ट किस कंट्री से आते हैं, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं इन इंडिया, पढ़ने के लिए आते हैं कई लोग, कई बिजनेसमैन है वो आते हैं, बिल्कुल काफी लोग आते हैं इंडिया में ट्रैवल करने के लिए। फिर यूएस आपको मिलेगा सेकंड स्पॉट पे, रशिया 10 स्पॉट पे है अभी, क्योंकि रशियन इंडिया में आते तो हैं, मगर देखिए इंडिया के आसपास कंपटीशन बहुत सारा है, थाईलैंड है, कई रशियन थाईलैंड में चले जाते हैं, उसके अलावा कई रशियन ऑस्ट्रेलिया चले जाते थे या फिर यूरोप में चले जाते थे। अब वो रशियन जब इंडिया में आएंगे तो आप देखोगे कि जहां पर हर साल 2.5 लाख रशियन इंडिया में आते थे, ये नंबर 2.5 लाख से बढ़ के बड़े आराम से 4 लाख 5 लाख के आसपास हो सकता है। और रशिया ओवरऑल यूके के बाद टूरिस्ट के मामले में हमारा फोर्थ हाईएस्ट सोर्स बन सकता है। और अगर अगर मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ते हैं, रशियंस को कहते हैं कि देखिए आपके लिए वीजा फ्री एंट्री इंडिया, ये बहुत ही बड़ा फैसला होगा, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो रशियंस को वीजा के लिए अप्लाई करना होता है जब वो इंडिया में आते हैं, हालांकि ऑनलाइन तरीके से अप्रूव हो जाता है मगर फिर भी उसमें टाइम लगता है। मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है मौका इंडिया के लिए, ओपनली इंडिया कहते हैं कि रशियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री होगी इंडिया में, एक बार को चाहे रशिया हमको वीजा फ्री एंट्री ना भी दे, क्योंकि हमारे टूरिस्ट वहां पे जाएं वगैरह उसमें कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, मगर रशियन टूरिस्ट बहुत ही बड़े स्केल पर अगर इंडिया में आते हैं तो आराम से इंडिया का जो टोटल रेवेन्यू है टूरिज्म से ये 35 से 36 बिलियन डॉलर की जंप मार सकता है कुछ ही सालों में। उसके अलावा इससे देखिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि कई जो बिजनेसमैन है वो भी इंडिया में आएंगे ट्रैवल करने के लिए, बिजनेसेस भी आपस में कोऑपरेट करेंगे, इससे बहुत सी पॉसिबिलिटीज ओपन हो सकती है। ऑलरेडी आप अगर देखो तो चाइना बहुत ही इजी एक्सेस देता है रशियंस को अपने कंट्री में, तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप लेने होंगे अगर हम फायदा उठाना चाहते हैं इस अवसर का। उसके अलावा हम प्रमोट कर सकते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को, लक्षद्वीप आइलैंड्स को प्रमोट कर सकते हैं एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि देखिए इंडिया में आते हैं तब ये दिल्ली मुंबई देखने के लिए नहीं आते, क्राउडेड जगह है उनको सूट करती नहीं है, ये लोग ज्यादातर आते हैं बीचेस को देखने के लिए। गोवा में आपको रशियंस आपको मिलेंगे, आपको ये बता रहा हूँ कई रशियंस को उसके बारे में पता भी नहीं है कि इंडिया का पार्ट है। हम अंडमान आइलैंड्स को प्रमोट कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर हम और इन्वेस्ट कर सकते हैं टू प्रमोट बेटर फैसिलिटीज, एंड दिस कैन बी ए गेम चेंजिंग मूव फॉर इंडियन टूरिज्म। और सबसे सुंदर बात यह है कि इस चीज को लेकर दुनिया इंडिया की इतनी आलोचना भी नहीं करेगी, दुनिया ये नहीं देखने वाली कि इंडिया ने किस कंट्री के लिए वीजा एग्जेम्प्ट कर दिया है, किस कंट्री को हम वीजा ऑन अराइवल देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इंडिया क्या क्या स्टेप ले सकता है ताकि हमारा जो टूरिज्म है फ्रॉम रशिया ये काफी हद तक बढ़ जाए, लिखेगा कॉमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपके। आई थिंक इससे एक बात तो एक जाहिर हो जाती है कि रशिया कितना इंडिया को अपना क्लोज फ्रेंड्स मानता है, घना दोस्त जिसे कहते हैं, घनी मित्रता, यस, एकदम प्यारा दोस्त मानता है, कि अपने नागरिक को कह रहा है कि तुम वहाँ ना मत जाओ, इंडिया जाओ। तो ये बेस्ट थिंग थी, इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप है
वो उसको करती है हर चीज में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे अब टूरिज्म की भी बात हो रही है। तो देखो कि हर फील्ड में रशिया भारत का साथ दे रहा है। तो ये थी आज की मिक्स स्पेशल रिएक्शन वीडियो। आपको मिक्स रिएक्शन देने मजा आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।